ऐसा है कुछ ऊपर से इसका व्यू इस थिएटर का, ये यहाँ पे बैठने की जगह होगी और वहाँ पे मनोरंजन की जगह होगी। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कास टर्की। आज मेरे ट्रिप का कोई अराउंड 20वां-22वां दिन है और कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं अंतालिया से कार लेके रेंट करके जिजगी से आया था काश में। रोड ट्रिप किया था मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ और रास्ते के जितने भी पॉइंट्स आए थे वो सारे एक्सप्लोर करता हुआ रात में लेट नाइट पहुंचा था काश में। काश में होटल लिया जो कि मुझे पड़ा 200 लीरा का और उस टाइम वो एक आंटी थी नीचे, उन्होंने तो कहा कि उसका व्यू आता है सामने समंदर का, लेकिन आपको मैं व्यू दिखाता हूँ समंदर कितना सा नज़र आ रहा है। ये नीचे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये यहाँ पे इस जगह पे पार्क गाड़ी को पार्क कर दिया और कुछ ऐसा देखने में है काश का व्यू यहाँ से। ये ऊपर सारा टाउन है, ऑलमोस्ट 80% में होटल्स एंड गेस्ट हाउसेज और पेंशन वगैरह इस तरह है और ये बस समंदर का व्यू नज़र आ रहा है इतना सा। तो मुझे कहती कि जाए ना महंगे वाला रूम है इसमें समंदर का व्यू आता है। मुझे उस टाइम तो समंदर रात का टाइम तो नज़र नहीं आया, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ से नज़र आ रहा है। खैर तो अभी नीचे जाऊंगा काश को एक्सप्लोर करूंगा, मैं काश को रात इतना एक्सप्लोर नहीं कर सका था, खाना वाने खाने गया था डाउनटाउन सिर्फ, और काश को एक्सप्लोर करके फिर वापस निकलूंगा टुवर्ड्स अंतालिया। चलें जी, जो सेंटर सिटी था वहाँ पहुंच गया हूँ। थोड़ा सा कंजस्टेड सा सिटी है, पार्किंग मिलना मुश्किल है, तो मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है इस जगह पे और ये कोई इनके पार्किंग के रेट्स हैं, लाइक 2 घंटे तक के 10 लीरा और 4 घंटे तक के 20 लीरा। तो ये पेड पार्किंग है, तो देखता हूँ पूरा एक्सप्लोर करके तो फिर मैं वापस आऊँगा, यहाँ से गाड़ी पिक करूँगा और निकल जाऊँगा। Decir que te amo, pero no sé si estoy mezclando una vez más lo que me das y lo que quiero. De pronto esta ya no sea mi realidad. No sé si es amor. चलें जी, ये वॉक करता हुआ बाजार से अभी पहुंचा हूँ हार्बर की साइड पे। तो यहाँ पे कोई ये बना हुआ है, इनका स्टैचू किसका है वो मैं देखकर बताता हूँ। ये है सूल यूरता सूल सूल, पता नहीं क्या है यार, नाम नहीं समझ आते। तो ये कुछ ऐसा है देखने में, स्ट्रीट फूड एरिया है, मतलब मीन्स रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, रात में कुछ ज़्यादा खूबसूरती बनती होगी। और ये इस साइड पे रहा हार्बर, यहाँ से आप बोट लेकर अंदर, काफ़ी सारे टूर कंपनीज हैं यहाँ पे, मैंने ऑफिसेज भी देखे हैं, एक का ये भी मैंने लिया है तो ब्रोशर टू गेट द आइडिया के कहाँ कहाँ टूर किए जा सकते हैं। इधर सामने वो वाला जो आइलैंड है ना वो है ग्रीस, तो मे भी शायद वहाँ ना जाते हो, लेकिन इधर इर्द गिर्द इनकी अपनी बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर ये जाते हो। ये देखें कुत्ते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉग्स जो है ना वो ऐसे सुकून से धूप सेक रहे हैं ना बहुत है भाई, गली में वॉक करने से डर रहा था रात में मैं, इतने कुत्ते थे यहाँ पे। खैर आगे निकलता हूँ, देखता हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, गलियाँ वलियाँ इनकी देखता हूँ अभी कैसी हैं, फिर उसके बाद निकल जाऊँगा। वो देखें एक बंदे वाली छोटी सी गाड़ी, mejoramos con el tiempo como el vino. Súbeme la nube.
चलें जी, काश सिटी और सेंट्रल सिटी और हार्बर और काश की गलियां जो कि फेमस हैं खूबसूरती के हवाले से, यहाँ पे वो एक्सप्लोर कर ली मैंने और तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए हैं पूरे और इन गलियों में घूमते हुए, रेस्टोरेंट्स में, गलियों में, और बोट वोट का ट्रिप मैं नहीं ले रहा, समंदर में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो लिहाजा अभी का प्लान मेरा कुछ इस तरह से है कि यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि 12 बज चुके हुए हैं, अराउंड 2 से 2.5 घंटे का सफ़र, 2.5 घंटे का सफ़र काश का भी, काश से मनीला कहने लगा था अंतालिया का है, तो वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ में अंतालिया में भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी एक्सप्लोर करने हैं, तो वो करके तो फिर रात को 11 बजे एयरपोर्ट वापस पहुँचना है। जो गाड़ी मैंने जिसगी से उठाई हुई थी रेंट पे, वो मैंने वापस उनको देनी है, और अपने अगला मेरा जो है वो इस्तांबुल का प्लान है, तो इस्तांबुल का ट्रिप भी प्लान करना है, लाइक फ़्लाइट बुक करनी है क्योंकि मैं फ़्लाइट लेकर जाऊँगा इस्तांबुल, और इस्तांबुल से फिर इस्तांबुल एक्सप्लोर करके 15 की रात को मेरी इस्तांबुल से कराची की फ़्लाइट है, तो वहाँ पे मेरा ट्रिप एंड हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं लास्ट डे में 2 दिन में जो है ना इस्तांबुल एक्सप्लोर कर लूँगा, बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपने जितनी भी वीडियोज़ पिछली गुजरी आपने सब देखी होंगी, इंजॉय की होंगी, अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें जी, गाड़ी को पार्किंग से निकाला और ऐसे हार्डली 2 या 3 मिनट के बाद एक थिएटर, जो ओपन टाइप का थिएटर होता है, वो देखना था, तो वो उस जगह पे है। गाड़ी इधर मैंने नीचे पार्क कर दी और बिल्कुल सी के साथ, ये मेरी ट्रेन सी है, जो वो वाला जो आई आइलैंड जो था वो सामने रहा, जो मैं बता रहा था आपको रात में दिखाया था कि ये ग्रीक का पार्ट है, इटली का पार्ट नहीं, सॉरी टर्की का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे नीचे वो भी बने हुए हैं, शायद घर हैं या गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, क्या हैं, लेकिन वो वाली जो सारा प्लेस है ये है ग्रीक के पास। ये ऐसा है कुछ देखने में ओपन एयर थिएटर इनका, और इसमें 4,000 लोगों के बैठने की जगह है और सफाई सुथराई कर दी हुई है क्योंकि ये ओपन कर दिया था टूरिज्म टूरिस्ट के लिए। ऊपर से जाकर देखता हूँ इसको, नीचे देखने में आखिरी बेंच वालों को, लास्ट बेंच वालों को कैसा दिखता होगा। ऐसा है कुछ ऊपर से इसका व्यू इस थिएटर का, ये यहाँ पे बैठने की जगह हो गई और वहाँ पे मनोरंजन की जगह हो गई, और ये सामने रहा मेडिटेरेनियन सी और वो सामने रहा ग्रीकी आइलैंड, तो इस तरफ रहा काश सिटी। उस तरफ से जाकर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से काश सिटी का व्यू कैसा। कोई टिकट नहीं है इसका, कोई पार्किंग नहीं है, जस्ट वो रोड साइड पे गाड़ी पार्क करें और ऊपर आ जाएं, घूमें फिरें और फिर चले जाएं। ये रहा काश सिटी का कंप्लीट व्यू, तो यही था टोटल काश सिटी, नीचे हार्बर आ गया वो, और ये रहा मेडिटेरेनियन सी। ये वाले आइलैंड जो हैं ये टर्की के पास हैं। चलें जी, ये आ गया एंशंट थिएटर एंटी फेलोस, तो ये एक लाइकिया जो इनका सॉर्ट ऑफ एक कोई होगा ट्राइब कबाइल समथिंग, इस तरह की कोई चीज़, ये उन्हीं से रिलेटेड है। इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, 200 से 300 बीसी में ये बिल्ट हुआ था, और मोटा मोटा आपको बता देता हूँ क्या है, सारा नहीं पढ़ूंगा, और अराउंड 4,000 लोगों के बैठने की इसमें जगह है। 2008 में इसको रीबिल्ट करके, इसको ठीक करके टूरिज्म मिनिस्ट्री के हवाले कर दिया था उसको ओपन करने के लिए फॉर टूरिस्ट। चले जी, फाइनली तैयारी हो गई टुवर्ड्स अंतालिया। काश को एक्सप्लोर किया बहुत अच्छे से, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, जितना मैं मैक्सिमम आपको दिखा सकता था दिखाया,
तीन चार घंटे मैं इनकी गलियों में घूमा हूँ इधर उधर, तो अभी बस गाड़ी में आ गया हूँ और बस निकलता हूँ। पानी वानी कुछ खाने पीने की चीज़ें बस रास्ते से या तो हाईवे से किसी टक शॉप से पकड़ लूँगा या फिर यहीं से देखता हूँ सिटी एग्जिट करते वक्त वहाँ से ले लूँगा। Entiendo toda la gravedad. Tú tan hermoso y no te ofrezco nada. Solo recibo y no te puedo dar. Lo que tú quieras, baby, la verás. Aunque bebé yo te llené de Dior, no se arregla esta relación. Lo que yo puedo es pedir perdón, porque no siento lo que sientes vos. Toma la actitud que yo tengo hacia ti. Yo me pongo inseguro cuando tú quieres estar cerquita. No interesante, solo interesadas a quien desvestir. No sé si es amor o es que quiero estar solo. चलें जी, एयरपोर्ट पहुंच गया फाइनली और गाड़ी को मैंने हैंडओवर कर दिया है इनके। उन्होंने गाड़ी की फाइनल इंस्पेक्शन भी कर ली है। दो दिन के लिए मैंने ये रेंटल ली थी जिसकी कार से। कल की वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा, अभी बारिश हो रही है तो जल्दी से मैं अपना फ़ाइनल प्रोसेस करके तो यहाँ से निकल जाऊँगा। ट्राम पकड़ के, ऊपर ट्राम खड़ी हुई है, मेरा इंतज़ार कर रही है। तो अभी यहाँ पर आज के दिन की वीडियो एंड करूँगा, कल देखेंगे क्या करना है। कल से बारिशें भी स्टार्ट हैं। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ से मैं फ़्लाइट पकड़ के इस्तांबुल जाऊँगा। अब ये फ़ाइनल है क्योंकि दो दिन बाद वापस कराची पहुँचना है। सो अल्लाह हाफिज़।